Melhor aproveitar. Maria, tu tem lá para fazer isso, né? Tu sabia não que ele acha que é profit and loss. Love or honey. Profit मतलब हो गया लाभ एंड लॉस मतलब हो गया हानि। प्रॉफिट जिसे हम कोई वस्तु को मान लिया जाए, हम 1 रुपये में खरीदे 2 रुपये में बेचिए तो हमें प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कितने बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु को हम किसी में बेच किसी उचित मूल्य में बेच देते हैं तो हम उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को सीपी से डिनोट कर सकते हैं। सीपी सॉरी क्रय मूल्य, सीपी से हम शॉर्ट फॉर्म्स को सीपी लिख सकते हैं। सीपी और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को हम एस पी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला लिखा एक एक ले लेते हैं। ये हो गया एस पी, शॉर्ट में अगर बोलते तो एस पी। अगर मान लिया जाए हमें प्रॉफिट हुआ, कोई वस्तु को हम 2 रुपये में खरीदे और 4 पे बेच दिए तो हमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं? आइए इससे हो गया मेरा। मान लिया जाए कि सी पी, मान लिया जाए हमारा मेरा क्रय मूल्य है, सी पी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा है 5 रुपया। कितना है दोस्तों? 5 रुपया। और हम कोई वस्तु को 10 रुपये में बेच दें तो हम लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना होगा, मुझे लाभ कितना निकालेंगे? तो ये देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व फॉर्म कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस माइनस विक्रय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया? सी पी। सी पी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, एस पी मेरा कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया में हम बेच लिए थे कोई वस्तु को, तो 10 ले लेते हैं। माइनस अब हम क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम कितना में खरीदे थे? तो हम 5 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में खरीदे तो 5 रुपये। चलिए अब प्रॉफिट बराबर हो गया मेरा कितना? 5, यानी 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। आप इस तरह का निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस बोलेगा तो एफ आप लॉस निकाल सकते हैं। एल इक्वल तो हो जाएगा सी पी। फिर देखिए अगर मान लिया जाए कि यही वाला है तो हम सी पी अगर 10 रुपये में खरीदे और एस पी सेलिंग प्राइस मतलब 5 रुपये में बेच दिए। 10 रुपये कोई वस्तु खरीदे, 5 रुपये में बेच दिए, 10 रुपये का कोई वस्तु हम खरीद लिए और 5 रुपये में बेच दिए तो हमें घाटा कितना हुआ, यानी हमें लॉस कितना हुआ? तो 5 रुपये का लॉस हो गया। तो चलिए ये कैसे निकालते हैं? तो हम करेंगे लॉस बराबर यानी एल बराबर, लॉस का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, एल लेते हैं, फर्स्ट लेटर एल, लॉस बराबर हो जाएगा सी पी। सी पी में अभी घटेगा सी पी माइनस एस पी, क्रय मूल्य में माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है? क्रय मूल्य मेरा 10 रुपया हो गया। 10 रुपये से हम 5 रुपया, 10 रुपये को सामान, 10 रुपये का सामान लिए हम 5 रुपये में बेच दिए तो मेरा कितना हुआ? 5 रुपये का नुकसान हो गया, यानी 5 रुपये का लॉस हो गया। एल बराबर लॉस मतलब हानि हो गया। कितना का हानि हुआ? तो 5 रुपये का हानि हुआ। और इसे परसेंटेज में कैसे निकाले?
देखिए परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। चलिए अब आपको परसेंटेज में निकालते हैं, तो प्रॉफिट का हमको निकालना है पहले, तो P बराबर, तो हमको प्रॉफिट कितना का होगा इसमें, ये फर्स्ट वाले में देखिए प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 5 प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हो गया पी, सर हम ले लेते हैं पी, तो हो जाएगा प्रॉफिट बाय क्रेमुल, क्रेमुल हम किससे नोट किए, सी पी से, इंग्लिश में सी पी से, सी पी गुना गुना हो गया हमारा 100%। चलिए हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो हो गया पी बराबर परसेंट, कितना परसेंट मतलब प्रॉफिट हुआ था हमको, 5 रुपये, 5 रुपया, ये देखिए 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 5 ये प्रॉफिट है, इसके बाद सेलिंग प्राइस सेल मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में कितना क्रेम हूँ, कितना में खरीदे थे, 10 रुपये में, सी पी मेरा कितना था वहाँ का, सॉरी 5 रुपये था सी पी, 5 रुपये मुझे प्रॉफिट भी हुआ इंटू 100, अब काट दीजिए, ये कितना हो गया 5 से 5 के इनसे, या फिर ऊपर से अगर नहीं काटेंगे तो छोड़िए, 5 की हो गया 20-25 सौ, इधर से कट होगा तो 5 20-25 सौ हो गया, तो 20 गुना 5 तो पी बराबर हो गया 100%। खरीदे 10 रुपये में बेच दिए थे, तो हमारा परसेंटेज कितना निकला, यानी 100% का। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमारा सूत्र हो गया, हमारा लाभ हुआ है, तो लाभ में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मेरा कितना 65 माइनस क्रय मूल्य मेरा है 50, तो घट गया कितना बचेगा 15 रुपये, यानी प्रॉफिट हुआ है, तो आप परसेंटेज में इसको निकालेंगे, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ मेरा 15 रुपये का, 15 बटा मेरा क्रय मूल्य था 50, इसके बाद परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं, फिर ये 0 ये 0, 5 दिया है 15,